नमस्कार दोस्तों, आप लोग का राम स्टडी चैनल में स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में एयरफोर्स से रिलेटेड कुछ नोटिस आया है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि वाई एयरमैन आर लिविंग इंडियन एयरफोर्स में। तो एयरमैन है वो एयरफोर्स की नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं, किसी को मिल नहीं रहा है और ये लोग छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं उसके ऊपर पूरा का पूरा फुल एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग। और हम लोग पता करने वाले हैं कि PSL कब आने वाला है, और मैं आपको बताऊंगा लास्ट वीडियो का एंड में कि PSL कब आएगा। और अपने अपनी रैंक भी जान सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग का स्कोर पता है आप लोगों को तो आप लोग स्कोर से रैंक भी पता कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप लोग को एक वीडियो मिलेगा, वो वीडियो वॉच कीजिएगा, उसके बाद आप लोग जो अपने रैंक को देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो है ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई एयरमैन आर लिविंग इंडियन एयरफोर्स। इसके इस वीडियो का जो मोटिवेशन है वो है ये कि विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। मतलब विश्वास एक ऐसा स्रोत है जिससे आप लोग जहां अंधेरा हो वहां पर भी आप लोग उजाला कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस मोटिवेशन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अपना स्टडी करते रहिएगा, अपना जो पढ़ाई है वो मत छोड़िएगा, 1 घंटे भी रोज़ के रोज़ पढ़ते रहिएगा, लेकिन पढ़ते रहिएगा। अब आगे आते हैं हम लोग, जो हम मैंने कहा था कि वाई एयरमैन आर लिविंग इंडियन एयरफोर्स उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये आर्टिकल के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ उसमें कि वाई एयरमैन आर लिविंग इंडियन एयरफोर्स। इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इसमें, देखिएगा इसमें दिया है COVID-19 के लिए कि टोटल केस जो है वो पंजाब में 1762 है, और डिस्चार्ज जो कि ठीक हो गए हैं 19,421 है, और टोटल केसेस जो है वो 63,400 है। ठीक है, लेकिन हम लोग का ये टॉपिक नहीं है, जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं कि वाई एयरमैन आर लिविंग इंडियन फोर्स। इसमें दिया हुआ है कि वेस्टर्न एयर कमांड हैज आस्क इट्स फील्ड कमांडर टू सेंसिटाइज एयरमैन अबाउट द पॉलिसी चेंजेस। मतलब बताया जाए उन लोगों को पॉलिसी चेंजेस के बारे में, क्यों छोड़ रहे हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। और इंटरनल सर्वे ऑफ इंडियन एयरफोर्स हैज रिवील्ड दैट एयरमैन आर लिविंग द सर्विसेज ड्यू टू लैक ऑफ सुटेबल इन्वायरमेंट एंड बेटर प्रोस्पेक्ट इन सिविलियन लाइफ। मतलब जो एयरफोर्स की नौकरी इसलिए छोड़ रहे हैं एयरमैन, क्योंकि उन लोगों को लग रहा है, उन लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है, विश्वास लग रहा है कि जो सिविलियन में लाइफ है, सिविलियन में वो इस एयरफोर्स के मुकाबले जो है बेटर है। आगे पढ़ते हैं, एज पर अ लेटर सर्कुलेटेड बाय द वेस्टर्न एयर कमांड टू ऑल एयर ऑफिसर कमांडिंग AOC स्टेशन कमांडर्स एंड कमांडिंग ऑफिसर CO ऑफ इट्स यूनिट डेटेड 30 अप्रैल, द सर्वे वॉज कंडक्टेड फॉर 2 ईयर्स विद द टारगेट ऑडियंस ऑफ सर्जेंट्स विद द सर्विस ब्रैकेट ऑफ 13 to 20 ईयर्स। मतलब ये जो है 2 साल का एनालिसिस किया गया है, इसमें देखा गया है कि जो 13 साल से 20 साल तक जो नौकरी कर लेते हैं वही लोग जो है जॉब को लीव छोड़ रहे हैं। अब आते हैं आगे, अबाउट 32% रिस्पॉन्डेड दैट एयरमैन लीव आफ्टर 20 ईयर्स, 32% जो है वो 20 वर्ष के बाद जो है नौकरी को छोड़ देते हैं ड्यू टू लैक ऑफ सुटेबल इन्वायरमेंट। मतलब उन लोगों को जो है अपने सुटेबल अनुसार जो है वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता है। वेल 25% बिलीव डैट देर आर बेटर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडियन लाइफ, लेकिन और जो 25% है वो विश्वास करते हैं कि जो हमारी जो लाइफ है वो सिविलियन में ज़्यादा अच्छी रहेगी। अदर रीजन्स फॉर फ्रीक्वेंट मूवमेंट 19%, लैक ऑफ करियर प्रोग्रेशंस 17% एंड पुअर पे। मतलब जो पे सर्विसेज है वो बहुत ही कम है, 7% को ऐसा लगता है। द एनालिसिस ऑफ द डाटा फॉर द पास्ट 5 ईयर्स बाय द एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस FARO हैज रिवील्ड दैट 45% एयरमैन प्रोसीडेड ऑन डिस्चार्ज आफ्टर कंप्लीटिंग इनिशियल रेगुलर इन्वेजन ऑफ 20 ईयर्स विदाउट एवेलिंग फर्दर एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज। मतलब जो 45% जो एयरमैन हैं वो लोग जो है वो 20 साल के बाद जो है जॉब को छोड़ देते हैं और कोई दूसरा जॉब कर लेते हैं सिविलियन में, उनको लगता है कि ये जॉब अच्छा होगा सिविलियन में। तो इट इज़ ऑल्सो मैंशन डेट IAF इज अ टेक्नोलॉजी इंटेंसिव फोर्स एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन वेरियस प्लेटफॉर्म एट अ हाई स्टेट ऑफ रेडनेस इट इज इम्पेरेटिव टू हैव एक्सपीरियंस एंड ट्रेंड मैन पावर। तो आप लोग देख सकते हैं कि यही रीजन था क्यों जो है जो एयरमैन हैं, एयरमैन के जॉब है क्यों छोड़ रहे हैं सब, ये रीज़न था उसके पीछे। लेकिन ये जो है वो व्यक्तिगत है, ये मतलब 20 साल तक जॉब कर सकते हैं ना, 20 साल तक तो जॉब कर सकते हैं, 20 साल के बाद वो लोग छोड़ रहे हैं जॉब। 55% जो है 45% जो लोग हैं वो एयरमैन हैं वो 20 साल की नौकरी करने के बाद जो है नौकरी को छोड़ दे रहे हैं। लेकिन मेरा सुझाव है 12th के बाद जो है एयरमैन का जॉब जो है एक बहुत ही प्रोस्पेक्टिव जॉब होता है, बहुत ही अच्छा जॉब होता है। अगर आप लोगों को मिल रहा है तो कभी भी इस जॉब को मत छोड़िएगा, ये बहुत ही अच्छा जॉब है,
ट्वेल्थ के बाद अगर आप लोग 20 ईयर्स उसमें स्पेंड कर देते हैं, उसके बाद अगर आप सिविलियन में आते हैं तो कोई भी आप लोग का हानि नहीं जाएगा। आप लोग 20 ईयर जॉब करके आ गए होंगे आप लोग सिविलियन में, तो आप लोग को उसमें भी अच्छा पेमेंट मिलेगा और इसमें भी अच्छा पेमेंट मिलेगा। अगर आप लोग कोई, जैसे मान लीजिए कोई IAS का ड्रीम रखता है तो उसके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। जो ऑफिसर्स बनना चाहता है तो इसमें बहुत ही कम मतलब चांसेस मिलता है ऑफिसर बनने के लिए इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है। अब आते हैं, जो हमारा ये डिस्कस हो गया कि क्यों छोड़ रहे हैं, मैंने बता दिया आप लोगों को क्यों जो है इंडियन एयरफोर्स की नौकरी सब छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि PSL कब आएगा। तो PSL जो है मेरे अनुसार 31 मई को जो है आप लोग का PSL आ जाएगा, आप लोग के हाथ में जो है 31 मई को आप लोग का PSL होगा। और कोई, हाँ, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग अपने कट ऑफ जान सकते हैं और अपना रैंक जान सकते हैं। मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करने के बाद से आप लोग अपना रैंक जान सकते हैं कि आप लोगों का रैंक मार्क्स के अकॉर्डिंग या PSL रैंक और एनरोलमेंट रैंक कितना आ सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, आप लोग मेरी चैनल को विजिट कर सकते हैं, राम स्टडी चैनल नाम है मेरे चैनल का। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।